absolute stationary frame of reference, that is ether frame, and to determine the absolute velocity of Earth with respect to ether frame in order to detect the change in velocity of light. ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव था. फिर apparatus में हमारे पास मोनोक्रोमेटिक सोर्स था, एक कॉन्वेक्स लेंस था, ग्लास प्लेट थी, सेमी सिल्वर ग्लास प्लेट जो 45 डिग्री पे इंक्लाइन थी, मिरर M1 और M2 थे जो एक दूसरे से परपेंडिकुलर थे, साथ में ग्लास सेमी सिल्वर ग्लास प्लेट से इक्वल डिस्टेंस पे थे. तो जो लाइट मिरर M1 और M2 से रिफ्लेक्ट बैक होकर आ रही थी, टेलीस्कोप की टूवर्ड्स मूव कर रही थी, उन दोनों के बीच में जो इंटरफ्रेंस पैटर्न है वो ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व किया जो टेलीस्कोप से देख रहा था, क्योंकि ये पूरा एक्सपेरिमेंट ईथर के रिस्पेक्ट में हो रहा था. तो जो ऑब्जर्वर है वो ईथर पे प्ले बैठा हुआ था और वो ऑब्जर्व कर रहा था. तो उसके लिए जो मिरर M1 से रिफ्लेक्ट बैक होकर लाइट आ रही है और मिरर M2 से रिफ्लेक्ट बैक होकर आ रही है, दो लाइट जो आ रही है T1 T2 उनके उसके लिए सेम नहीं था. तो हमने T1 T2 सेम नहीं था उसकी कैलकुलेशन कर ली थी, कैलकुलेशन करी थी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, टाइम कैलकुलेट किया था. तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो हमारा टाइम आया था वो आया था T1 इक्वल टू 2D अपॉन सी 1 + v² अपॉन 2c², जिस डायरेक्शन में हमारा एक्सपेरिमेंट अरेंजमेंट मूव कर रहा था अर्थ की वेलोसिटी के साथ, उस डायरेक्शन में जो टाइम आया था T2 वो हमारा आया था 2D अपॉन सी 1 + v² अपॉन c². तो हमने दोनों रेस के बीच में टाइम डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया था. टाइम डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए क्या किया था, डेल्टा टी इक्वल टू T2 माइनस T1 dv² अपॉन c³ आ गया था, टाइम डिफरेंस आ गया था. तो हमने पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया था, ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस. तो ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस के लिए डेल्टा टी को हमने एक्स से c से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो c से c³ कैंसिल हो गया था, c² रह गया था. तो डेल्टा एक्स हमारा आ गया था dv² अपॉन c². फिर हमने इंटरफ्रेंस की कंडीशन लगाई थी, कंडीशन फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, पार्ट डिफरेंस शुड बी इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2. तो पार्ट डिफरेंस को हमने एन लैम्डा के इक्वल रखा. यहाँ से हमारी फर्स्ट केस के हिसाब से फ्रिंज नंबर मिल गया N1, दैट इज dv² अपॉन लैम्डा c². फिर हमने क्या कहा, हमने पूरा का पूरा एपरेटस 90 डिग्री रोटेट किया और कहा कि जो पार्ट डिफरेंस है वो माइनस dv² अपॉन c² बन गया. और सेम हमने पार्ट डिफरेंस की कंडीशन यूज करते हुए N2 कैलकुलेट कर लिया सेकेंड केस में कि फ्रिंज नंबर हमें कितना मिलना चाहिए. तो माइनस dv² अपॉन लैम्डा c², हमारे पास दो फ्रिंजेस हैं, एक पहले केस के लिए एक दूसरे केस के लिए, दोनों में डिफरेंस देख रहे थे कि फ्रिंज में कितना शिफ्टिंग हुआ. तो हमने N1 माइनस N2 कर लिया जो कि हमारा आया 2dv² अपॉन लैम्डा c². यहाँ पर हमने अकॉर्डिंग टू माइकल सर ने जो अपने अपरेटस में वैल्यूज रखी थी वो वैल्यूज उन्होंने थ्योरेटिकली यहाँ पे रख के देखा कि लैम्डा अगर वो 5.5 × 10⁻⁷ मीटर मतलब 5,500 एंगस्ट्रॉम यूज करते सोडियम क्लैम, डी अगर वो 11 मीटर रखते हैं, वेलोसिटी ऑफ अर्थ 3 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड रखते हैं जो होती है, लाइट की वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वैल्यू रखते हैं, तो ये जो वैल्यू है डेल्टा एन ये हमारी 0.4 फ्रिंज आनी चाहिए. ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया था. एक बार प्रीवियस वाला डायग्राम और समझ लेते हैं कि 90 डिग्री रोटेट करने पे माइनस dv² अपॉन c² वैल्यू कैसे आई. ये डायग्राम था कि पहले हमारा सोर्स एस इस डायरेक्शन में था, 90 डिग्री रोटेट करने पे इसकी डायरेक्शन यहाँ पहुँच गई. पहले मिरर हमारा M1 इस डायरेक्शन में था, 90 डिग्री रोटेट करने पे ये इधर पहुँच गया. M2 मिरर हमारा इस डायरेक्शन में था, 90 डिग्री रोटेट करने पे ये इस डायरेक्शन में पहुँच गया. फिलहाल हमने यहाँ पे टेलीस्कोप भी रोटेट कर दिया है, पर टेलीस्कोप रोटेट नहीं होगा क्योंकि ऑब्जर्वर तो इधर फ्रेम में ही है. हमने ये एपरेटस अर्थ पर है और अर्थ पर रोटेशन की है एपरेटस की. ठीक है, तो जो हमारा सोर्स पहले अगर हम बात करें, जब मिरर M1 इस डायरेक्शन में था तो T1 हमारा कितना आ रहा था, T1 इक्वल टू 2D अपॉन C 1 + v² अपॉन 2c² आ रहा था. और मिरर जब M2 इधर था तो T2 हमारा आ रहा था 2D अपॉन सी
वन प्लस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर। तो टाइम हमारा ज्यादा इस डायरेक्शन में आ रहा था जिधर एम टू डायरेक्शन है, यानी कि इधर की जो हमारी रे है ज्यादा पार्ट ट्रेवल कर रही है, इसका मतलब ये है, क्योंकि टी टू डायरेक्शन में हमारा जो पाथ है वो ज्यादा आ रहा था। जब हमने इसको 90 डिग्री रोटेट किया तो क्या हुआ कि मिरर एम वन इस पोजीशन पे पहुंच गया जिस पे मिरर एम टू था, तो टी वन हमारा वो पाथ आएगा एक्स्ट्रा पाथ, क्योंकि इस डायरेक्शन में एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल हो रहा था, तो टी वन आएगा टू डी अपॉन सी वन प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सेम वही कंसेप्ट यूज करेंगे, एक बार वेलोसिटी सी प्लस वी लेंगे, एक बार सी माइनस वी लेंगे। जब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे अर्थ और रे, तो वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी सी माइनस वी लेंगे अकॉर्डिंग टू गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन, और जब रे रिफ्लेक्ट बैक होकर आ रही होगी और अर्थ इस डायरेक्शन में जा रही होगी, उस केस में वेलोसिटी सी प्लस वी ले लेंगे। तब हम अगर ये सेम कैलकुलेशन करेंगे तो टी वन हमारा आएगा टू डी अपॉन सी वन प्लस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। फिर एम टू की बात करते हैं, अब ये इस डायरेक्शन पर पहुंच गया, ये एपरेटस ऐसे मूव कर रहा है, तो सिमिलरली जो स्टेशनरी ऑब्जर्वर है उसको एक ट्रायंगुलर पाथ दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी टी टू आएगा वो सेम जैसा, क्योंकि पहले इस केस में मिरर एम वन था तब आ रहा था, सेम वैसे ही हमें टी टू दिखेगा। तो टू डी अपॉन सी वन प्लस वी स्क्वायर अपॉन टू सी स्क्वायर आएगा। अब पहले केस में जब हम टी टू माइनस टी वन कर रहे थे तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही थी, लेकिन अब की बार हमारा टी वन ज्यादा हो गया, तो टी टू माइनस जब टी वन करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। और नेगेटिव वैल्यू कितनी होगी, डी वी स्क्वायर अपॉन सी क्यूब डेल्टा टी, ठीक है, माइनस में। जब पार्ट डिफरेंस टाइम डिफरेंस माइनस में आएगा तो पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करोगे सी इंटू डेल्टा टी, वो भी माइनस में आएगा डी वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सेम अब यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे इंटरफ्रेंस की, तो इसलिए वो माइनस में आ रहा है ये वाला टर्म, ठीक है। यहाँ तक हमने कर लिया था और कहा था कि फ्रिंज शिफ्ट हमें 0.4 मिलना चाहिए, तो ये हमारा थ्योरिटिकल रिजल्ट है कि हमें 0.4 फ्रिंज का शिफ्ट मिलना चाहिए, इतनी शिफ्टिंग हो जानी चाहिए। अब इसके अब हम आगे करते हैं। आज हमें नेगेटिव रिजल्ट ऑफ माइकलसन मॉडल एक्सपेरिमेंट करना है और फिर इन नेगेटिव रिजल्ट की एक्सप्लेनेशन करनी है कि जो हमारा डेल्टा एन है वो हमें 0.4 फ्रिंज मिलना चाहिए, हमने थ्योरिटिकली कैलकुलेशन कर ली। अब क्या हुआ कि माइकलसन ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और डिफरेंट लोकेशन पे, डिफरेंट हाइट पे, डिफरेंट सीजन पे हर तरीके से एक्सपेरिमेंट करके देखा, बट उनको ये फ्रिंज शिफ्ट नहीं मिली। एक आध बार उनको फ्रिंज शिफ्ट मिली 0.001 के करीब की, तो लेकिन उसको इन्होंने कैलकुलेटिव एरर मान लिया या ऑब्जर्वेशन एरर मान लिया। उनका एपरेटस इतना एक्यूरेट था कि वो 0.1 तक की फ्रिंज शिफ्ट ऑब्जर्व कर सकता था, 0.01 तक की, और हमें तो 0.4 चाहिए था, लेकिन एपरेटस ने ये वैल्यू ऑब्जर्व नहीं की, ठीक है। तो ये नेगेटिव रिजल्ट हुआ। इस नेगेटिव रिजल्ट को हम कैसे लिखेंगे, लिखना स्टार्ट करते हैं। नेगेटिव, क्या नेगेटिव रिजल्ट मिले, फिर उन रिजल्ट की क्या एक्सप्लेनेशन की गई, फिर वो करेंगे। तो हेडिंग है नेगेटिव रिजल्ट। तो नेगेटिव रिजल्ट में हम लिखना स्टार्ट करेंगे, माइकलसन मॉडल एक्सपेक्टेड माइकलसन मॉडल एक्सपेक्टेड अ फ्रिंज शिफ्ट, माइकलसन मॉडल एक्सपेक्टेड अ फ्रिंज शिफ्ट ऑफ अबाउट 0.4 इन देयर एपरेटस when it was rotated through 90 degree. In the experiment, no fringe shift was observed. The experiment
repeated at different places. Different times different time of year. The experiment repeated at different places, different time of year, and different heights. And different height. But they always found no friendship. But they always found no friendship. So it was negative result. हमें friendship मिलना चाहिए था but friendship नहीं मिल रहा था तो मतलब क्या हुआ ये negative result हो गया. This negative result suggests it is impossible to measure the speed. It is impossible to measure the speed of Earth relative to the ether or the concept of fixed frame of reference. In this way, इसको हम null result भी बोलते हैं, negative result भी बोलते हैं, null result भी बोलते हैं. The null result of the experiment lead to the total rejection of ether hypothesis. क्या कहा माइकलसन मॉर्ले को 0.4 friendship expected थी जब उन्होंने experiment perform किया उनको कोई friendship नहीं मिली. उन्होंने different location, different places, different time zone में इसको time में experiment को करने की कोशिश की लेकिन उनको हमेशा कोई friendship नहीं मिली. तो ये negative था उनके result कि उन्हें मिलना चाहिए था बट उनको रिजल्ट नहीं मिला. तो उन्होंने कहा कि बहुत इम्पॉसिबल है कि स्पीड अर्थ की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ईथर फाइंड करना या कह लीजिए फिक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस को फाइंड करना. फिर उन्होंने फाइनली कहा कि ये एक्सपेरिमेंट ये सजेस्ट करता है कि ईथर एग्जिस्ट ही नहीं करता. तो ये एक्सपेरिमेंट लीड किया टोटल रिजेक्शन ऑफ ईथर हाइपोथेसिस. अब रिजल्ट उनका आ गया था कि फ्रेंडशिप उनको नहीं मिल रही थी, जीरो डेल्टा एन जो है जीरो मिल रहा था. तो कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगी कि ये जीरो क्यों मिल रहा है. तो हम उसको बोलते हैं नेगेटिव रिजल्ट्स की एक्सप्लेनेशन या इंटरप्रिटेशन ऑफ नेगेटिव रिजल्ट को इंटरप्रिटेट कैसे किया गया या नेगेटिव रिजल्ट की एक्सप्लेनेशन कैसे हुई. इंटरप्रिटेट तो यही किया गया कि ईथर हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया. चलिए तो लिखते हैं हेडिंग तो डाली ली थी एक्सप्लेनेशन ऑफ नेगेटिव रिजल्ट. यस मैम. और उसमें भी हमारा पहला था ईथर ड्रैग हाइपोथेसिस. तो चलिए म्यूट कर लीजिए और ईथर ड्रैग थ्योरी लिखते हैं. ठीक है. ईथर ड्रैग थ्योरी में माइकलसन ने क्या कहा. माइकलसन ने कहा कि अर्थ के साथ साथ ईथर भी ड्रैग होता है. देखिए हम क्या कह रहे हैं, जो हमारी फ्रेंड शिफ्ट है वो जीरो मिल रही है. फ्रेंड शिफ्ट की अगर हम फ्रेंड शिफ्ट का फॉर्मूला लिखें यहाँ पे डेल्टा एन है हमारा टू टी वी स्क्वेयर अपॉन c
सी स्क्वेयर लैम्डा, है ना। ये हमारा फ्रेंडशिप का फॉर्मूला है। अब इसमें देखिए जो हमारे बीच की डिस्टेंस है मिरर और ग्लास प्लेट के बीच की डिस्टेंस, वो तो डी है, वो तो जीरो नहीं करी हमने। ये वैल्यू हमारे को जीरो मिल रही है, तो ये वैल्यू हमें जीरो कब मिलेगी, या तो डी जीरो होता या वी जीरो होगा। तो डी तो जीरो नहीं है क्योंकि लेंथ हम 11 मीटर ले रहे हैं। वी जीरो, वी जीरो का मतलब क्या है, अर्थ और ईथर के बीच की जो रिलेटिव वेलोसिटी हम ले रहे थे, हाँ जो रिलेटिव वेलोसिटी ले रहे थे 3×10⁴, वो जीरो हो गई, यानी कि उन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो ही नहीं रहा। ईथर जो है अर्थ के साथ साथ मूव कर रहा है, ऐसा कहा माइकलसन ने। लेकिन ये थ्योरी तुरंत के तुरंत रिजेक्ट हो गई, क्योंकि फिर हम जो हम ये मान के चल रहे हैं कि ईथर एब्सोल्यूट रेस्ट में है और स्टेशनरी फ्रेम है, वो कंसेप्ट खत्म हो गया। तो ये थ्योरी तभी के तभी रिजेक्ट हो गई थी। लेकिन लिखते हैं कि उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया ईथर ड्रैग थ्योरी या ईथर ड्रैग हाइपोथेसिस। माइकलसन अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी According to this theory, according to this theory, the moving earth completely dragged completely drags the ether with it. It means there is no relative motion. Between Earth and Ether. दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है। तो लेकिन ये तो ये भी गलत हो गया, हमने ये एक्सपेरिमेंट क्यों परफॉर्म किया था, ये चेक करने, मतलब माइकलसन ने क्यों परफॉर्म किया था ये एक्सपेरिमेंट, ये चेक करने के लिए कि ईथर और अर्थ के बीच में रिलेटिव मोशन है। और फिर कह दिया कि इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है ही नहीं, वो उसको साथ साथ लेके चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए थ्योरी तुरंत रिजेक्ट हो गई। ईथर ड्रैग हाइपोथेसिस, माइकलसन प्रपोज ईथर ड्रैग थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द मूविंग अर्थ कंप्लीटली ड्रैग्स द ईथर विद इट, इट मींस देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन अर्थ एंड ईथर। सेकंड वैलिड भी है, अभी हम इसको पढ़ेंगे भी। हाँ बताइए, यहाँ पे मूविंग अर्थ कंप्लीटली ड्रैग्स द ईथर विद इट, इसका मतलब ये है कि अर्थ जो ईथर है, अर्थ है वो अपने साथ साथ ईथर को ड्रैग मींस खिसकाना, लेके चलना, अपने साथ साथ लेके चली जाती है। ओके, है ना। तो उन दोनों के जो ईथर रेस्ट में था, हम क्या मान रहे थे कि रिजिड होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए, और अर्थ मूव कर जानी चाहिए, तो वो अर्थ के साथ साथ ही मूव हो गया। मैम कंप्लीटली ड्रैग होने के कारण ये v0 हो गया ना इसका, अभी जीरो हो गया, अभी जीरो हो गया, हाँ रिलेटिव मोशन नहीं रहा। लेकिन तो ये तो गलत हो गया ना, जो अजप्शन हम लेके चल रहे थे कि ईथर रेस्ट में है और इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है, वही गलत हो गया। तो ये थ्योरी तो हाँ, ये थ्योरी तुरंत जो है रिजेक्ट हो गई। नेक्स्ट है हमारा फिट्ज़गेरल्ड, लॉरेंज, खाली हम इसको लॉरेंज कॉन्ट्रैक्शन हाइपोथेसिस भी बोल देते हैं, फ्रिट्ज़गेरल्ड अगर नहीं लिख रहे हैं तो। कॉन्ट्रैक्शन हाइपोथेसिस,
फ्रिस्गेल्ड कॉन्ट्रैक्शन हाइपोथेसिस, ये अभी हम ड्राइव भी करेंगे फॉर्मूला, अभी हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो लॉरेंज ने क्या सजेस्ट किया, जिस डायरेक्शन में हमारी मूव हो रही होती है, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव हो रही होती है, उस डायरेक्शन में उसकी जो लेंथ है वो हमें अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर फैक्टर कम होकर दिखाई देती है। हम टाइम किस डायरेक्शन में ज़्यादा ले रहे थे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में अर्थ मूव कर रही थी उसी डायरेक्शन में जो मिरर था, अगर वो चाहे मिरर M1 हो चाहे M2 हो, उस डायरेक्शन में जो भी मिरर रख रहे थे उस डायरेक्शन में हमारा टाइम ज़्यादा आ रहा था। तो उनका अकॉर्डिंग क्या था कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो जिस डायरेक्शन में मूव कर रही होती है उसी डायरेक्शन में उसकी लेंथ कम होकर दिखाई देती है। इसको समझने के लिए हम ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है, वैसे ही वेलोसिटी ऑफ लाइट पे एप्लीकेबल है, बट जनरलाइज अगर हम ऐसे ही समझने के लिए करें कि जैसे जैसे बस हमसे दूर जाती है तो जिस डायरेक्शन में वो मूव हो रही होती है उस डायरेक्शन में हमें उसकी जो लेंथ है वो कम होते हुए दिखाई देती है, लेंथ घटते हुए दिखाई देती है। तो उन्होंने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, उसके अकॉर्डिंग लेंथ जो है कॉन्ट्रैक्ट होती है अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर फैक्टर। तो वो कंसेप्ट यहाँ पे लगाया, ये फॉर्मूला हम ड्राइव करेंगे मंडे में, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग लिखते हैं, हाँ जी बताइए मैम, एक्चुअल में थोड़ी होती है लेंथ कम, एक्चुअल में कम नहीं होती है, जो ऑब्जर्व, देखो यहाँ पे अभी यहाँ पे भी जो ट्रायंगुलर पाथ है वो एक्चुअल में थोड़ी हुआ है, बट जो स्टेशनरी ऑब्जर्वर है उसके अकॉर्डिंग पाथ चेंज हो रहा है। एक्चुअल में तो पाथ वही है जो हो रहा है ना, लेकिन हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, जो स्टेशनरी ऑब्जर्वर है और बॉडी मूव कर रही है, ठीक है। समझ रहे हो, अभी भी हमने क्या किया, एक डायरेक्शन में ट्रायंगुलर पाथ दिखाया, एक डायरेक्शन में वेलोसिटी सी प्लस वी और सी माइनस वी रिलेटिव वेलोसिटी दिखाई। तो एक्चुअल में तो सी वेलोसिटी जो है, अभी हम आइंस्टाइन, अभी इसके बाद जो नेक्स्ट वाला है वो आइंस्टाइन का ही है कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो इंडिपेंडेंट होती है, तो वो है। तो एक्चुअल में तो नहीं हो रहा है, लेकिन जो स्टेशनरी ऑब्जर्वर है उसको ऑब्जर्व हो रहा है कि वो लेंथ कम होकर दिखाई दे रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कुछ फैक्टर यहाँ पे, जैसे हम टाइम डायलेशन पढ़ेंगे तो रियल इफेक्ट भी है। चलिए लॉरेंज इसके अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं। लॉरेंज सजेस्टेड दैट देयर वॉज contraction of space along the direction Lorentz suggested that there was contraction of space along the direction of motion, जिस डायरेक्शन में मोशन होता है उसी डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्शन होता है बस, बाकी अदर डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है। मोशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अर्थ थ्रू द ईथर, अकॉर्डिंग टू हिम हम क्या कर रहे थे, पी ए डायरेक्शन में तो लेंथ टी ले रहे थे और पी बी डायरेक्शन में भी लेंथ बी ले रहे थे, बट अकॉर्डिंग टू हिम पी ए डायरेक्शन की लेंथ तो डी रहेगी, लेकिन जो पी बी डायरेक्शन की लेंथ है वो हमारी डी अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर हो जाएगी। किस ऑब्जर्वर के लिए, जो ईथर पर ऑब्जर्वर है उसके लिए। तो जब लेंथ कम हो जाएगी तो टाइम उसी डायरेक्शन में ज्यादा आ रहा था, लेंथ कम हो जाएगी तो टाइम कम लगेगा, तो जो टाइम के बीच का डिफरेंस है वो कम हो जाएगा। तो जब हम इसको वैल्यूज को पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो दोनों का जो टाइम है T1 और T2 इक्वल आता है। तो पी ए इक्वल टू डी एंड पी बी इक्वल टू डी अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, इसको हम लेंथ कॉन्ट्रेक्शन फॉर्मूला भी बोलते हैं, ठीक है। थर्ड है हमारा, लास्ट है और इम्पॉर्टेंट है, इससे ही हमारी पूरी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई, जिसको हम बोलते हैं लाइट वेलोसिटी हाइपोथेसिस
हाइपोथेसिस, बल्कि हाइपोथेसिस नहीं, ये तो रियल फैक्ट ही है। हाँ जी बताइए। स्क्रीन रुकी हुई है मैम। हाँ स्क्रीन रुकी हुई है, मैंने स्क्रीन मूव नहीं करी है भाई, स्क्रीन है अभी, स्क्रीन पे फिजी लॉरेंज कॉन्ट्रैक्शन हाइपोथेसिस लिखा हुआ है, इथर ड्रैग हाइपोथेसिस लिखा हुआ है, और थर्ड हाइपोथेसिस अब हम समझ रहे हैं, लाइट वेलोसिटी हाइपोथेसिस या लाइट वेलोसिटी थ्योरी। मैम इसको कांस्टेंट वेलोसिटी भी तो कह सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, कांस्टेंट वेलोसिटी हाइपोथेसिस भी बोल सकते हैं। तो क्या इसको आइंस्टाइन ने जो है प्रपोज किया, और आइंस्टाइन ने क्या कहा, जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है फ्री स्पेस में वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। अभी हम क्या कर रहे थे कि जिस डायरेक्शन में लाइट मूव कर रही है और अर्थ उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लगा के जो रिलेटिव वेलोसिटी है, एक बार सी माइनस वी ले रहे थे और एक बार सी प्लस वी ले रहे थे, तो आइंस्टाइन ने कहा कि जो लाइट की वेलोसिटी है वो सी ही रहती है, यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट है, वो ऑब्जर्वर पर डिपेंड नहीं करती है कि ऑब्जर्वर रेस्ट में है, ऑब्जर्वर मूविंग में है, लाइट मूविंग फ्रेम में है, लाइट स्टेशनरी फ्रेम में मूव कर रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लाइट की जो वेलोसिटी है सी, वो यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट है और सभी फ्रेम के लिए वो सी रहेगी। तो जो हम ले रहे हैं एक बार सी प्लस वी ले रहे हैं, एक बार सी माइनस वी ले रहे हैं, अगर उसकी जगह हम सी ही लेंगे तो टी वन इक्वल टू टी टू हो जाएगा, दोनों का टाइम जो डिफरेंस हम कह रहे थे वो टाइम डिफरेंस नहीं रहेगा। तो इसमें लिखना स्टार्ट करिए, द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन was given by Einstein, और यहीं से फिर हमारी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कंसेप्ट आया कि जो हमारा गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है वो लाइट पर एप्लीकेबल नहीं होता है, तो हमें कुछ फिर ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन चाहिए जो उस पर एप्लीकेबल हो, है ना। द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन वॉज गिवन बाय आइंस्टाइन, ही कंक्लूड दैट वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस in free space is universal constant c. The proper explanation was given by Einstein, he concluded that velocity of light in free space is a universal constant, और जो हम एक बार c प्लस वी ले रहे हैं, एक बार c माइनस वी ले रहे हैं, उसकी जगह हमें c ही लेना चाहिए। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज c रेदर देन c प्लस वी और c माइनस वी इन एनी फ्रेम, किसी भी फ्रेम में हम बात करें तो वेलोसिटी सी ही रहेगी, ना सी प्लस वी होगी ना सी माइनस वी होगी, इन एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो एक चीज और यहां से निकल कर आई कि हमें एक नए ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की जरूरत है जो लाइटों की वेलोसिटी पर भी एप्लीकेबल हो, क्योंकि जो हमारा गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमारा फेल हो गया लाइट की वेलोसिटी पे, जब हमने लाइट की वेलोसिटी पे उसको लगाया तो वो चीज फेल हो गई, ठीक है। तो हमें एक नए ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की जरूरत है जो लाइट की वेलोसिटी पे एप्लीकेबल हो, तो तब हमारा फिर लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आया था।
और आइंस्टाइन ने हमें टू पॉस्टुलेट्स दिए थे. जो हमारा फर्स्ट पॉस्टुलेट है वो है द फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स हैव द सेम फॉर्म फॉर ऑल इनर्शियल फ्रेम. जो हमारे फंडामेंटल लॉज हैं वो इनर्शियल फ्रेम में सेम फॉर्म में होने चाहिए दोनों फ्रेम में. मतलब सेम फॉर्म का मतलब ये है कि जैसे अगर मैं न्यूटन्स लॉ की बात करूँ या एफ इक्वल टू एम ए की बात करूँ, अगर एक फ्रेम में एम ए है तो दूसरे फ्रेम में भी एफ इक्वल टू एम ए होगा. ऐसा नहीं है एफ इक्वल टू एम ए प्लस वी या कुछ और टर्म ऐड हो जाए. तो जैसा लॉ इस फ्रेम में है वैसा ही लॉ सेम दूसरे फ्रेम में होगा. वो अलग बात है कि वैल्यूज अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन देखने में वो फॉर्म जो है या फॉर्मूला जो है या लॉज जो है वो दोनों फ्रेम में सेम हो. दूसरा पॉस्टुलेट था हमारा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस इज अ यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट एंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर. सोर्स और ऑब्जर्वर पे इसकी वेलोसिटी डिपेंड नहीं करती है और ये हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है. सी है तो सी ही रहता है. तो ये हमारे टू फंडामेंटल पॉस्टुलेट आए थे आइंस्टाइन के. अगर ये सामने लिख लिया है तो फिर हम नेक्स्ट स्लाइड करते हैं, देखते हैं क्या है. तो एक्सप्लेनेशन ऑफ नेगेटिव रिजल्ट तीन आए थे. एक हीथर ट्रैक हाइपोथेसिस था, एक फ्रिजगैर लॉरेंट कॉन्टेक्शन हाइपोथेसिस था, लाइट लास्ट हमारा लाइट वेलोसिटी हाइपोथेसिस या कंसिस्टेंसी ऑफ लाइट वेलोसिटी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी हाइपोथेसिस था. तो फर्स्ट वाले में क्या कहा गया कि माइकलसन प्रपोज ईथर ड्रैग थ्योरी. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द मूविंग अर्थ कंप्लीटली ड्रैग द ईथर विद इट. इट मीन्स देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन अर्थ एंड ईथर. सेकेंड था हमारा लॉरेंस सजेस्टेड दैट देयर वॉज अ कंट्रैक्शन ऑफ स्पेस अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अर्थ थ्रू द ईथर. अकॉर्डिंग टू हिम पी ए इक्वल टू डी लेंगे और पी बी इक्वल टू डी अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर. जिस डायरेक्शन में मोशन होता है उस डायरेक्शन में जो लेंथ है वो हमें कम होती हुई दिखाई देती है स्टेशनरी ऑब्जर्वर को. या उस थ्योरी फेल हुई. कौन सी थ्योरी? मंडे वाली जो सेकंड फिट्ज़लैंड लॉरेंट कॉन्ट्रैक्शन हाइपोथेसिस. नहीं जी बिल्कुल फेल नहीं, नहीं फेल नहीं हुई है. मतलब ये एक्सप्लेनेशन तो वैलिड है कि उस डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा और फिर इसलिए हमें टी वन इक्वल टू टी टू ही दिखाई देगा. वो ये कंफ्यूजन था ना कि वहां पे क्या हो रहा था, टी वन और टी टू अलग अलग आ रहे हैं जिसकी वजह से फ्रिंज शिफ्ट मिल रहा है. तो उन्होंने कहा टी वन और टी टू इक्वली रहेंगे क्योंकि जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उस डायरेक्शन में उसको तो लेंथ कम दिखाई देगी तो उसको टी वन इक्वल टू टी टू ही दिखाई देगा. मैम सारे थ्योरी माइकलसन ने दिया था? नहीं ये माइकलसन ने नहीं दिया था. देखिए ये तो लॉरेंज ने दिया है जो फ्रिजगैर लॉरेंट कॉन्ट्रैक्शन हाइपोथेसिस है, और जो लाइट वेलोसिटी हाइपोथेसिस है ये आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया था. ईथर ड्रैग हाइपोथेसिस जो है माइकलसन ने बताया था. ये उनको ये रिजल्ट क्यों नहीं मिले, वो अपने एक्सप्लेनेशन दे रहे थे कि उनको रिजल्ट मिलने चाहिए थे क्यों नहीं मिले. तो कुछ ने एक्सप्लेन कर दिया कि आपको रिजल्ट क्यों नहीं मिले. ओके मैम ठीक है. तो पहला तो यही है कि ईथर ड्रैग करती है अर्थ के साथ साथ, लेकिन ड्रैग तो करती है फिर, लेकिन स्टेशनरी नहीं होगी. स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा वहां से. तो हमारा जो अजेप्शन लेके चल रहे हैं वही एंड हो जाएगा. तो लॉरेंज ने जो सजेस्ट किया वो ठीक था कि जिस डायरेक्शन में मोशन होता है उस डायरेक्शन में हमें लेंथ कम होकर दिखाई देती है. तो जो टाइम हमें ज्यादा दिख रहा है वो ज्यादा नहीं दिखेगा, कम हो जाएगा टी टू वाला जो टाइम है. और आइंस्टाइन ने कहा कि आप वेलोसिटी को एक बार सी प्लस वी ले रहे हो, एक बार सी माइनस वी ले रहे हो, लेकिन लाइट की वेलोसिटी जो है यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट है वो सी ही रहता है. तो ऐसा नहीं हो सकता है. साथ में यहाँ पे गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फेल हो गया क्योंकि गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के अकॉर्डिंग तो रिलेटिव वेलोसिटी सी माइनस वी और सी प्लस वी होती है जब दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे होते हैं. तो उन्होंने कहा कि हमें एक नए ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की जरूरत है जो लाइट की वेलोसिटी पे एप्लीकेबल हो सके और हमें सही रिजल्ट दे सके. तो हमारे को लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन मिला. अगर कोई ऑब्जेक्ट या फ्रेम लाइट की वेलोसिटी से मूव करता है तो उसके लिए एक नई ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की जरूरत थी, तो वो हमें लॉरेंज ने दिया. वो हम कल पढ़ेंगे. अब हम ठीक है, ये हमारे एफ क्यूज या एग्जाम क्वेश्चन है जो माइकलसन से रिलेटेड है.